ऊपर की अनुसूची में दशाएं अनुसार जैसे जैसे उत्पादन का प्रमाण बढ़ता है वैसे वैसे शुरुआत में औसत खर्च और सीमांत खर्च दोनों घटते हैं, जिसका कारण बढ़ते उत्पादन के दर का नियम है। उत्पादन की चौथी इकाई के लिए औसत खर्च और सीमांत खर्च दोनों समान हो जाते हैं, तब औसत खर्च लघुतम होता है, उसके बाद घटते उत्पादन के दर का नियम प्रभावी होने से औसत खर्च और सीमांत खर्च दोनों बढ़ने लगते हैं। अनुसूची को आकृति में इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बच्चों, ये आकृति आप देखो, आप आकृति में देख सकते हैं कि एक है हमारी एवरेज कॉस्ट और एक है मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट है वो उनका ढाल इतना धनात्मक से थोड़ा धनात्मक है, लेकिन ये जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एकदम से हमारे ऋण ढाल में आती है, उसके बाद एकदम से हमारे धन ढाल में परिवर्तित हो जाती है। आकृति में ओ एक्स पर उत्पादन का प्रमाण और ओ वाई एक्स पर औसत खर्च और सीमांत खर्च को दर्शाया गया है। इन दोनों खर्च के बीच का आंतर संबंध नीचे दर्शाया गया है। पहला, सीमांत खर्च लेस देन औसत खर्च, एम सी लेस देन ए सी। शुरुआत में औसत खर्च करता है तब सीमांत खर्च भी करता है, किंतु औसत खर्च में होने वाली कमी की अपेक्षा सीमांत खर्च में होने वाली कमी तीव्र होने से औसत खर्च रेखा की अपेक्षा सीमांत खर्च रेखा नीचे रहती है। सीमांत खर्च बराबर औसत खर्च, एम सी इज इक्वल टू ए सी। जब औसत खर्च न्यूनतम है तब सीमांत खर्च की रेखा औसत खर्च की रेखा के नीचे से प्रतिच्छेदित करके ऊपर की ओर जाती है। ऐसी परिस्थिति में औसत खर्च और सीमांत खर्च दोनों समान हो जाती है, अर्थात कि औसत खर्च बराबर सीमांत खर्च। सीमांत खर्च ग्रेटर देन औसत खर्च, एम सी ग्रेटर देन ए सी। जब सीमांत खर्च की रेखा जो औसत खर्च की रेखा को प्रतिच्छेदित करते हुए ऊपर की ओर जाती है, तब दोनों खर्च में बढ़ोतरी होती है। ऐसी परिस्थिति में औसत खर्च में हुई बढ़ोतरी की अपेक्षा सीमांत खर्च में हुई बढ़ोतरी तीव्र होती है, इसीलिए औसत खर्च रेखा की अपेक्षा सीमांत खर्च रेखा आकृति में ऊपर की ओर दर्शाई गई है। बच्चों, तो आज का वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा 5.5, लंबी अवधि की औसत खर्च रेखा, और उसके बाद छोटी अवधि की औसत खर्च रेखा के टॉपिक हम बाद में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। बाय बाय।